नमस्कार, आप देख रहे हैं इन खबर और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। देश में जनगणना 2025 में शुरू होने की संभावना है और इसके आंकड़े 2026 तक आ सकते हैं। इस बार जनगणना में काफी कुछ नया देखने को मिलेगा, नए सवाल से लेकर नए ऑप्शंस तक इसमें जोड़े जाने की तैयारी है। जनगणना में पहली बार संप्रदाय को लेकर भी सवाल पूछे जा सकते हैं, लोगों से उनके संप्रदाय से जुड़ी जानकारी देने के लिए कहा जा सकता है। उदाहरण के तौर पर कर्नाटका में लिंगायत जैसे समूह जो सामान्य श्रेणी में आते हैं लेकिन एक अलग संप्रदाय के रूप में पहचाने जाते हैं। अब तक की बात करें तो जनगणना में धर्म और वर्ग ही पूछा जाता रहा है, साथ ही सामान्य अनुसूचित जाति और जनजाति की गणना होती रही है। लेकिन इस बार लोगों से यह भी पूछा जा सकता है कि वे किस संप्रदाय से आते हैं या फिर किस संप्रदाय की अनुयायी हैं। जैसे अनुसूचित जाति में वाल्मीकि, रविदासी जैसे अलग अलग संप्रदाय हैं। इस्लाम की अगर बात करें तो इस्लाम में शिया और सुन्नी संप्रदाय शामिल हैं। जातियों में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जैसे समूह भी शामिल हैं। यानी धर्म वर्ग के साथ साथ संप्रदाय के आधार पर भी जनगणना की मांग पर सरकार विचार कर रही है। देश में पहली बार जनगणना के आंकड़े डिजिटल तरीके से जुटाए जाएंगे और संकलित भी किए जाएंगे। इसके लिए विशेष पोर्टल तैयार किया गया है। इस पोर्टल पर जातिवार जनगणना के आंकड़े के लिए भी प्रावधान किए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक जातिवार जनगणना होने की स्थिति में पहली बार देश में मुसलमानों और अन्य मतों के अनुयायियों की भी जातियां गिनी जाएंगी। दरअसल कई राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने धर्म और वर्ग के साथ साथ संप्रदाय के आधार पर भी गणना कराए जाने की मांग उठाई थी। जानकारों का कहना है कि संप्रदाय और जाति पर जनगणना के आंकड़े ज्यादा सटीक पॉलिसी बनाने में मदद कर सकते हैं, क्योंकि संप्रदायों को धर्मों के भीतर उपसमूहों के रूप में मान्यता दी जाती है जो अक्सर अलग अलग मान्यताओं और प्रथाओं को दर्शाते हैं। इसके विपरीत जाति पारंपरिक रूप से सामाजिक स्तरीकरण और आधारित एक प्रणाली है। जनगणना के आंकड़ों से देश की धार्मिक जनसंख्या के बारे में भी डेटा जुटाया जा सकेगा। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में सबसे ज्यादा 79.8% आबादी हिंदुओं की है। उसके बाद 14.2% मुस्लिम है और इसी के साथ साथ 2.3% ईसाई और 1.7% सिख वर्ग से आते हैं। भारतीय सामाजिक व्यवस्था में संप्रदाय और जाति दो अलग अलग अवधारणाएं हैं जो अक्सर एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, लेकिन इनके उद्देश्य अलग अलग होते हैं। जनगणना में संप्रदाय का कॉलम का मतलब यह है कि व्यक्ति किस धार्मिक या सांस्कृतिक समूह से संबंधित है। इसे एक विशेष सांस्कृतिक या सामाजिक समूह के रूप में समझ सकते हैं जो अक्सर एक विशिष्ट पहचान या परंपरा के अनुसार खुद को परिभाषित करता है। अब आपको बताते हैं कि धर्म, जाति और संप्रदाय में क्या अंतर होते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे धर्म की। तो धर्म एक विश्वास प्रणाली या आध्यात्मिक सिद्धांतों का समूह होता है, जैसे हिंदू धर्म, इस्लाम, ईसाई धर्म, सिख धर्म आदि। धर्म एक व्यापक पहचान है जो व्यक्ति के धार्मिक विश्वासों को दर्शाती है। इसी के साथ साथ अगर जाति की बात करें तो यह विशेषतः भारतीय समाज में सामाजिक स्तर पर व्यक्ति की वंशानुगत पारंपरिक श्रेणी का निर्धारण करती है, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि। इसी के साथ साथ अगर संप्रदाय की बात करें तो धर्म से जुड़े हुए उपसमूह या अलग अलग अनुयायी समुदायों को संप्रदाय कहा जा सकता है। उदाहरण के लिए हिंदू धर्म में शैव, वैष्णव, शाक्त आदि संप्रदाय जो होते हैं वो इसके अंदर आते हैं। इसी तरह इस्लाम में शिया और सुन्नी दो प्रमुख संप्रदाय हैं। देशव्यापी जनगणना 2025 में शुरू होगी और 2026 में समाप्त हो सकती है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि जनगणना दो चरणों में होने की संभावना है। पहले चरण में घरों और उनमें मौजूद पशुधन और भौतिक संसाधनों की गिनती की जाएगी और दूसरे चरण में नागरिकों की गणना की जाएगी। तो ऐसे में संप्रदाय के पूछे जाने को लेकर के आप क्या सोचते हैं? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। क्या संप्रदाय पूछना उचित है या फिर अनुचित, और आपकी क्या राय है जरूर लिखें कमेंट बॉक्स में। बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए इन खबर। धन्यवाद।